चलिए बात अब सरहदी जिला पुंछ के तहसील महेंद्र की, जहां पर तहसील महेंद्र में आवाम को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि तहसील महेंद्र की आवाम को उस वक्त मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है कि जब दूर दराज इलाकों से आवाम महेंद्र में अपना काम करवाने के लिए आती है, जब दूर दराज इलाकों से महेंद्र में आवाम पहुंचती है तो महेंद्र के अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसरान बैठते हैं, क्योंकि महेंद्र में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर हर एक डिपार्टमेंट के ऑफिसरान एक जगह बैठ पाएंगे। उसी को लेकर आवाम को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए 2008 की, 2008 में वक्ती हुकूमत ने उस वक्त महेंद्र में मिनी सेक्रेटरी का काम दिया था। उस वक्त महेंद्र में मिनी सेक्रेटरी दिया कि मिनी सेक्रेटरी यहां पर बनाई जाए ताकि आवाम को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। आवाम को हर वक्त जो है हर एक डिपार्टमेंट से ऑफिसर जो है आवाम को मिनी सेक्रेटरी में मिल पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए 2008 में जब काम लगाया गया, आवाम में काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिली। उसके बाद महेंद्र में जो है 2014 तक मिनी सेक्रेटरी का काम चलाया गया। 2014 में मिनी सेक्रेटरी का काम जो है वो बंद कर दिया गया। उसके बाद जिस तरह से 2014 में मिनी सेक्रेटरी का काम छोड़ा गया, आज भी उसी तरह जो है मिनी सेक्रेटरी की बिल्डिंग देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आवाम में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आवाम में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं पर वहां पर आवाम ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द मिनी सेक्रेटरी महेंद्र का काम लगवाएं ताकि आवाम को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े, ताकि आवाम को वक्त पर ऑफिसरान जो है एक ही जगह अलग अलग डिपार्टमेंट के अफसरान एक ही जगह आवाम को मिल पाए, ताकि आवाम का काम जो है वो जल्दी हो पाए, आवाम को ऑफिसरान को ढूंढने की ज़रूरत ना हो। वहीं पर महेंद्र के कई सोशल एक्टिविस्टों ने इस पर आवाज़ उठाई और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ गवर्नर इंतज़ामिया से अपील किया कि वो जल्द अज जल्द इस इमारत का काम दोबारा लगाया जाए, ताकि मिनी सेक्रेटरी जो है वो जल्दी कम्प्लीट हो, ताकि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसरान बैठे, ताकि आवाम को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। वहीं पर सोशल एक्टिविस्टों की जानिब से और आवाम की जानिब से ये कहा गया अगर मिनी सेक्रेटरी का काम जल्द नहीं लगाया गया तो आवाम सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। नाज़रीन, इस दौरान क्या कुछ बातें हुई, इस दौरान क्या कुछ कहा गया, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए जी, ये एक 2008 से जो है यहाँ पर ये मिनी सेक्रेटरी की बिल्डिंग जो है ये पड़ी हुई है। 2014 तक इसका काम चला और ये अनकम्प्लीट पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखें कि जितने भी हमारे महेंद्र के दफ्तर हैं, वो जैसे सोशल वेलफेयर हुआ, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर हुआ, जैसे हेल्थ सेंटर हैं, भी कुछ जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग में जो हैं वो रखे हुए हैं, और यहाँ पर करोड़ों के हिसाब से पैसा लगा के और गवर्नमेंट को जो है ये टस से मस नहीं है। हमारे जैसे बालाकोट के लोग, हमारे गानी बलनोई के लोग, बॉर्डर एरिया के लोग, और पीछे देखें आप संगियोट चंडियाल गली के लोग जो हैं, इतने सफ़र होते हैं यहाँ पर, कभी किसी दफ्तर में घुसना पड़ता है, कभी किसी दफ्तर में घुसना पड़ता है। तो इस मेरा इंतज़ामिया से यही है आपके माध्यम से कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप इस बिल्डिंग को जो है कम्प्लीट करें, ताकि हमारे लोग जो हैं वो सफ़र होने से बच सकें। और इतना पैसा लगा के और आज यहाँ की जो यहाँ पर इंतज़ामिया है, जैसे यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, वो उनको भी टस से मस नहीं है, वो भी तो डेली अप डाउन यहाँ पर सफ़र करते हैं, वो भी देखते हैं यहाँ पर हमारा मिनी सेक्रेटरी जो है बहुत अरसे दराज से जो है अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। तो मेरी LG गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये अपील रहेगी कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके हमारा ये मिनी सेक्रेटरी कम्प्लीट कराएँ, ताकि हमारे लोग जो हैं वो सफ़र होने से बच सकें। जय हिंद, भारत माता की जय। बड़े अरसा दराज से हम देख रहे हैं ये हमारा मिनी सेक्रेटरी है, एक बहुत बड़ी तामीरी बिल्डिंग है इस महेंद्र तहसील के अंदर। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है,
जिस ठेकेदार ने काम कराया था उसने अपना जो है लेंटर डाल करके यहाँ से चला गया था। उसके बाद अरसद राय से ये बिल्डिंग खाली पड़ी है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इंतजामिया पूछ जनावे डीसी साहब से और जनावे एसडीएम मेंडर जनावे जंगीर साहब से ये मोहतमाना गुजारिश करता हूं कि हमारी जो ये बिल्डिंग है फौरी तौर से इसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि आप देखें आंगनवाड़ी दफ्तर वो रेंट पर है, जीडीओ ऑफिस जो है वो भी रेंट पर है, जितने हमारे जो महकमे हैं जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है रेंट दे रहे हैं, हमारी अरबों रुपए की बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है आज तक। ये क्या वजह है, किस वजह से इस काम को रोका गया है? मैं जनाबे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी से ये मौजमाना गुजारिश करता हूँ कि मेंढर के अंदर जो है ये बिल्डिंग बने हुए आज से 15-20 साल हो गए, इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। हमारे यूपी सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मजाज है, हमारे डीसी साहब है बहुत ऑनेस्ट आदमी है, हमारे एसडीएम साहब है। मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से ये बिल्डिंग रुकी हुई है। आज इसके अंदर आप देखें कोई हादसा हो जाए, ये खाली पड़ी है बिल्डिंग, कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? लिहाजा मैं सरकार से गुजारिश करूंगा इस बिल्डिंग को फौरी तौर जो है इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि ये जो हम लोग सफर हो रहे हैं, बहुत सी लोगों की कंप्लेंट है। पहले मैं सरकार का ये भी धन्यवाद करता हूँ, हमारा पुल का मसला था उसको हल किया गया है, उस पर भी जल्द से जल्द रुक डाली जाए ताकि जो हमारी गाड़ियां जाती हैं वो भी बड़ा मुश्किल